व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। आज है 24 अगस्त और काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के हम इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। देखिए, जो संडे में आप लोगों का जो टेस्ट होने वाला था वो अब की बार नहीं होगा, मंडे या फिर ट्यूजडे में हम लोग वो टेस्ट करेंगे। रीजन ये है, कई सारे बच्चे जो है वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने घर पर गए हुए हैं, तो कई सारे बच्चों के मेरे पास मेल आए कि सर इस बार संडे में मत रखिए, वीकेंड में रख लीजिए या फिर जब भी आपको सूटेबल लगे। तो ये संडे में नहीं करेंगे हम लोग, मंडे या फिर ट्यूजडे में हम लोग इसको टेस्ट को रख लेंगे। जब भी होगा मैं आप लोगों को पहले ही अनाउंस कर दूंगा उसके बारे में। पर संडे में भी आप लोग की क्वेश्चन की वीडियो आएगी, ठीक है ना। तो नॉर्मल जो वीडियो हमारी चल रही है वो वीडियो आप लोग की क्वेश्चन की आएगी संडे में, पर लेकिन आप लोगों का टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट फिर जब भी सूटेबल लगेगा मुझे, वीकेंड में या फिर वीक में बीच में, तो हम लोग टेस्ट कंडक्ट करा लेंगे, ठीक है ना। तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे उसको कंडक्ट कराना है, बस आप लोग अच्छे से एंजॉय करते रहिए। और इसी के साथ में जो भी क्वेश्चन रहते हैं पूरे वीक में जो आप लोग डिस्कस करते हैं ना, उसको आप लोग रिवाइज कर ले कीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन देने का, ठीक है। तो जन्माष्टमी भी सेलिब्रेट करते रहिए अच्छे से, और इसी के साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। तो अच्छे से अपना ध्यान रखिए, सेहत का भी और अपने परिवार के साथ में चीजों को एंजॉय कीजिए। तो फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एक प्यारे से क्वेश्चन के साथ में। बात की जा रही है यहां पर सद्भावना दिवस के बारे में। सद्भावना दिवस जो है यहां पर ये सेलिब्रेट की जाती है बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर। तो किस पर्सनैलिटी की बर्थ एनिवर्सरी यहां पर ये बनाई जाती है सद्भावना दिवस के तौर पर? तो यहां पर जो क्वेश्चन में बोला गया राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी या फिर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। तो ए बी सी एफ डी, कौन सा आंसर आप लोगों के हिसाब से यहां पर सही है? तो जो सही आंसर है यहां पर इसका, यह है ए, राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है सद्भावना दिवस के तौर पर। इसी के साथ पर आप लोगों को यहां पर यह भी याद रखना है कि जहां पर एक तरीके से आप लोग बोलिए, जैसे ऐसे नहीं होता कि जहां पर इनकी समाधि बनी है, तो इनकी समाधि को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये पुकारा जाता है वीर भूमि के नाम से। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है आप लोगों का। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि ये किस दिन सेलिब्रेट की जाती है? तो 20 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है यहां पर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और राजीव गांधी जी से रिलेटेड बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ये। तो ए हो गया आंसर, आगे चलते हैं। कई बार इस तरह क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट एंगल बनाकर आप लोगों के सामने क्वेश्चन पेश किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात की जा रही है किस पर्टिकुलर एरिया के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। एक फेमस प्लेस है, काफी सुंदर है, वॉटरफॉल है, इसमें कॉफी का कल्टीवेशन किया जाता है, ईस्टर्न घाट में है ये, बायोडाइवर्सिटी होती है, माइनिंग होते हैं यहाँ पर बॉक्साइट की, बोरा केव है यहाँ पर, इसी के साथ में अनंतगिरी हिल जो बेसिकली जो लोकेटेड है इस पर्टिकुलर एरिया में। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन का नाम आप लोगों को बताना है, अनंतपुरी हिल में लोकेटेड है ये, ठीक है। तो किस जगह के बारे में बात की जा रही है? पहला बोला जा रहा है यहाँ पर कार्डमन हिल, दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पर अरोका वैली, तीसरा बोला जा रहा है यहाँ पर महेंद्रगिरी हिल, चौथा बोला जा रहा है होर्सले हिल। तो ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसके यहाँ पर ए, ये है कार्डमन हिल। तो कार्डमन हिल के बारे में बात की जा रही है कि बहुत सुंदर है, यहाँ पर वॉटरफॉल भी है, कॉफी का कल्टीवेशन किया जाता है, ईस्टर्न घाट में है, बोरा केव है, और इसी के साथ में अनंतगिरी हिल में पाया जाता है ये। एग्जैक्ट लोकेशन कौन से राज्य में, अगर आप लोगों से कोई पूछे तो ये आंध्र प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज के आंध्र प्रदेश में आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आएगा। इसी के साथ में ट्राइबल कम्युनिटी भी कई सारी पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है, जिस तरीके से दीमा ऐसा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ट्रेडिशनल डांस यहाँ पर देखने को मिलते हैं कई सारी। इसी के साथ में जैसे कि बात की जा रही है यहाँ पर, ये है पंदापुरम, ये है यहाँ पर पद्मापुरम गार्डन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसी लोकेशन के नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं जो फेमस है। देखिए यहाँ पर 5-6 चीजें बोल दी, अगर यहाँ पर आप लोगों को पता है बोरा केव कहाँ पर है तो भी आप लोग यहाँ पर इसका आंसर दे सकते हैं। तो बेसिक फंडा क्या रहता है यहाँ पर, आंसर ये नहीं है, आंसर इसका ही है अराकु वैली, ठीक है, कार्डमन हिल नहीं है, अराकु वैली है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर ये पाया जाता है। तो बेसिक देखिए, अगर आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि बेसिक पर्पज किसी पर्टिकुलर एक चीज का भी नाम आप लोग याद रखेंगे, जैसे बोरा केव यहाँ पर आप लोगों को बताया, ठीक है, ये कहाँ पर पाई जाती है, किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, तो अनंतगिरी एरिया वाले में बोल दिया यहाँ पर, किस राज्य में पाई जाती है या फिर उसके पास में कोई फेमस जगह है, तो कोई एक भी अगर आप लोगों को हिंट मिल जाएगा तो आप लोग उसका आंसर बता देंगे। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, यह है अराकु वैली, ठीक है। तो कार्डमन हिल नहीं है, ये अराकु वैली है, आंसर हो गया। आप भी आगे बढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ये रिसेंटली कई सारी चीजें आप लोगों को न्यूज में नजर आती है, तो एक एक कर पढ़ते हैं। 3 स्टेटमेंट है और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। पहली स्टेटमेंट बोला कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया यहाँ पर डिसेंट इन्वायरमेंट, यानी कि एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, पोल्यूशन फ्री वाटर होना चाहिए। तो ये किस आर्टिकल के अंदर देखने को मिलता है, आर्टिकल 21 की बात की जा रही है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया यहाँ पर पार्लियामेंट यहाँ पर बात करती है कि यहाँ पर चेंज कर सकती है, अगर बात की जाए उससे रिलेटेड, अगर कोई लड़ाई हो रही है, कंट्रोल किया जा रहा है वोटर को, तो उससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट है तो पार्लियामेंट उससे रिलेटेड लॉ बना सकती है। यहाँ पर इंटर स्टेट रिवर या फिर रिवर वैली से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है कि पानी का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो पार्लियामेंट के हाथ में पावर है।
तीसरा बोला गया यहाँ पर इंटर स्टेट रिवर या फिर वाटर सप्लाई इरीगेशन कैनाल, ये यूनियन लिस्ट के अंडर आती है। तो सही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, ए में बोला जा रहा है 1 और 3, बी में बोला जा रहा है 2 और 3, सी में बोला जा रहा है 1 और 2, डी में बोला जा रहा है 1, 2 और 3। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है, सही आंसर है इसका यहाँ पर सी। थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है एनजीटी, जिसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में हमारी कंट्री में बनाया गया। ये आर्टिकल 21 से ही निकाल के लेकर आता है और बेसिक पर्पज यहाँ पर आर्टिकल 21 पार्ट 3 में हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो फंडामेंटल राइट है उसमें आप लोगों को यहाँ पर ये आर्टिकल 21 देखने को मिलता है। तो इसका बेसिक पर्पज यहाँ पर ये है फंडामेंटल राइट के अंदर में कि एक देखिए फंडामेंटल राइट का मतलब ये है कि आप लोग अच्छे से जिंदगी जी सके, तो अच्छा एनवायरमेंट रहेगा, पॉल्यूशन फ्री वाटर रहेगा, तभी तो अच्छे से जी पाएंगे। तो आर्टिकल 21 के अंदर ये बात की जाती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी आर्टिकल 21 के थ्रू ही बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, अगर किसी के अंदर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन पावर की बात आती है, तो यहाँ पर राज्य के यहाँ पर सेंटर के हाथ में पावर होती है कि यहाँ पर इससे रिलेटेड ये ट्रिब्यूनल वगैरह सेट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पर इसका डिस्प्यूट का कोई सोल्यूशन निकाला जा सके। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर कि किसके अंडर में आता है ये कैनाल वगैरह, इंटर वाटर, ये यहाँ पर इंटर स्टेट रिवर के बारे में ये सारी बातें, तो ये स्टेट लिस्ट में आती है। तो जो सेंट्रल लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है, तो स्टेट लिस्ट के बारे में बातें हैं। और कई बार यहाँ पर इसके ऊपर लड़ाई भी रहती है कि यहाँ पर इसको कॉन्करेंट लिस्ट में लेकर आओ ताकि सेंट्रल इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके, पर लेकिन राज्य की सूची में आता है ये सब्जेक्ट, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसके लिए बन सकता है। तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। आगे चलता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं क्योंकि रिसेंटली अभी 2019 में हमारी कंट्री में इलेक्शन हुए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले बताया, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये देखिए करेक्ट पूछा गया है या फिर इनकरेक्ट पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़कर भी आप लोग गलत मार्क कर देंगे अगर आप लोग ये स्टेटमेंट ढंग से नहीं पढ़ेंगे। पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कंसिस्ट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर जो कि पार्लियामेंट डिसाइड करती है, और यहां पर ये टाइम क्या रहना है इनका और टाइम फिक्स करना है नहीं करना है जो भी है, तो पार्लियामेंट के हाथ में ये पावर रहती है इसको लेकर, ये बात बोली जा रही है। दूसरी स्टेटमेंट में यहां पर ये बोला गया कंडीशन ऑफ द सर्विस और टेन्योर जो रहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो डिटरमाइन किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ए में बोला जा रहा है ओनली 1, बी में बोला जा रहा है ओनली 2, सी में बोला जा रहा है 1 और 2, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। तो ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि गलत आंसर क्या है। तो आंसर है इसके यहां पर ए, ये है ए हो गया आंसर इसके यहां पर। रीजन क्या है, देखिए ये काम जो यहां पर पार्लियामेंट बोला है ना, पार्लियामेंट नहीं करता है, ये करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर हमारी कंट्री में संविधान में आर्टिकल 324 में ये पावर दे रखी है कि एक हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और फिर जो यहां पर बाकी के इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद में कौन इलेक्शन कमिश्नर रहेगा यहां पर डिसाइड किया जाएगा। देखिए काम तो करती है पार्लियामेंट ही, पर प्रेसिडेंट के नाम पर होता है, तो डॉक्यूमेंट में प्रेसिडेंट मेंशन रहता है, तो ये आप लोग कंफ्यूजन में डालने के लिए भी क्वेश्चन ऐसे बना दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर कंडीशन ऑफ द सर्विस और टेन्योर ऑफ द ऑफिस जो होता है इलेक्शन कमिश्नर का वो डिटरमाइन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, आजकल में हमारी कंट्री में एक इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर है, तो टोटल मिलाकर 3 मेंबर बॉडी है। अगर कोई भी डिसीजन यहां पर लेना है तो यहां पर मेजोरिटी वोट के द्वारा लिया जाएगा, यानी कि अगर सहमति नहीं है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तो मेजोरिटी डिसाइड करेगी कि 2 साइड में होंगे वो डिसीजन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए आंसर इस तरीके से ए हो गया। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, जब बात करते हैं पानी को सेव करने की तो ऐसी स्कीम आप लोगों से पूछी जा सकती है। बात की जा रही है एक स्कीम के बारे में जिसका नाम है यह है जल ही जीवन है, तो ये स्कीम यहां पर ये से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है कि सही स्टेटमेंट क्या है। जल ही जीवन है, ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम है उड़ीसा राज्य की, ये स्टेटमेंट है पहली। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया एम ये है कि जो इंश्योर किया जा सके परचेज जो प्रोड्यूस किया जाता है फार्मर का एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू, और इसी के साथ में इनपुट सपोर्ट भी किसानों को दी जा सके। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया कि रिस्टोर किया जाता है यहां पर ग्राउंड वाटर जो रहता है ग्राउंड वाटर टेबल को, वो भी एक ऑब्जेक्टिव है यहां पर इस स्कीम का। तो सही स्टेटमेंट यहां पर क्या है, ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 1 और 3, सी में बोला गया 2 और 3, डी में बोला गया 1, 2 और 3। तो जो सही आंसर है इसका वो है यहां पर ए बी सी एफ डी, आंसर है इसका सी सही, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट में गलत क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट में उड़ीसा की जगह यहां पर हरियाणा आएगा, यानी कि ये हरियाणा राज्य की स्कीम है जिसका नाम है जल ही जीवन है। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर देखिए बेसिक पर्पज क्या है, जिस एरिया में यहां पर वाटर टेबल कम है यहां पर पानी की कमी है, तो वहां पर आप लोग ये एक तरीके से पेड़ी यानी कि चावल की खेती मत कीजिए, वहां पर वो खेती कीजिए जहां पर आप लोगों को कम पानी की जरूरत पड़ती है। तो एक तो ये बात फोकस देने की बात की जा रही है। दूसरा यहां पर किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू उनको प्राइस दिया जाएगा, यानी कि अगर कल को बहुत ज्यादा पैदावार हो गई और पैदावार होने की वजह से किसानों को उनकी
जो खेतों में जो सामान लगा है, जो भी फसल लगाई है उसका प्राइस अच्छा नहीं मिल रहा है, तो कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको देना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लीजिए पहले डिसाइड कर ले कि 10 रुपये पर केजी के हिसाब से तो लेना ही लेना है, चाहे मार्केट में कोई भी प्राइस क्यों ना हो, तो वो किसानों को फायदा ये रहता है कि प्राइस कितना भी कम क्यों ना हो जाए पर लेकिन उनको अपनी लागत मिल जाती है यहाँ पर, और इनपुट सपोर्ट भी उनका यहाँ पर हेल्प होती है। इसी के साथ में यहाँ पर ये वाटर टेबल को भी हेल्प करेगा, पर्टिकुलर एरिया में जो वाटर टेबल है उसको भी यहाँ पर बढ़ाया जा सकेगा। तो ये बेसिकली पर्पज है, यहाँ पर सोयल कंजर्वेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये एक अच्छी और इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं किसानों के बारे में, और हरियाणा राज्य की स्कीम है। ओके, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे आज के डेट में चंद्रमा और यहां पर बात करते हैं मंगल ग्रह पर कई सारी चीजें भेजने की बात की जा रही है, तो उसी के बारे में यहां पर बात है। लूनार इवैक्यूएशन सिस्टम असेंबली, जिसको लीसा बोला गया है, LESA, ये रिसेंटली अभी न्यूज में थी। आखिर इसका मतलब क्या है, किससे रिलेटेड है? सबसे पहले बोला गया कमर्शियल लूनार लैंडर है नासा का, यानी कि नासा का यहां पर ये लैंडर है, और लूनार जो वर्ड यूज किया जाता है चांद के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सक्सेसर है चंद्रयान 2 का, दूसरी स्टेटमेंट। तीसरा बोला गया पोलर रोवर है यहां पर, ये यहां पर स्कोर्ट कर रहे हैं फॉर वाटर, ठीक है ना, तो पानी के बारे में पता लगाने की बात की जा रही है, तो उसके लिए ध्रुवीय रोवर है। रेस्क्यू एन इंजर, जो इंजर्ड एस्ट्रोनॉट है जुलनार सरफेस से उसको रेस्क्यू किया जाएगा, यानी कि उसको वहां से बचाया जाएगा, ये स्टेटमेंट है। तो ए बी सी या फिर डी, सही आंसर क्या है यहाँ पर? सही आंसर है इसका यहाँ पर डी, यानी कि अगर कोई यहाँ पर चांद की सतह पर कोई एस्ट्रोनॉट को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पर उतारा जाता है, तो उसको वहां से निकालने का सिस्टम है यहाँ पर लूनार एक्सकवेशन सिस्टम असेंबली, ठीक है। तो आप लोग नाम से भी इसको समझ सकते हैं। तो पहली तो बात ये हो गई। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से क्या बनता है, किसके द्वारा ये डेवलप किया गया है? ये डेवलप किया जा रहा है यहाँ पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, जिसको आप लोग ESA बोलते हैं। ये यूरोप की स्पेस एजेंसी है, जैसे USA की NASA है, हमारी इसरो है, इसी तरीके से ISRO, ठीक है ना। फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म तो पता होगा ना यार, कम से कम ये ऐसी चीजें मत भूलिएगा, चलिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो ये जो है स्पेस एजेंसी यहाँ पर किसकी, ये है यहाँ पर उसकी यूरोप के, और यहाँ पर इसके द्वारा ये डेवलप किया जा रहा है। यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की बात की जा रही है, कि अगर कोई बीमारी हो उससे पहले आप लोग प्रिवेंट कैसे करना है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, ठीक है। तो आंसर डी है, आगे चलता हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग है, कंपेयर किया जा रहा है इंडिया और चाइना को। तो क्वेश्चन के बारे में नजर डालते हैं एक एक कर, और करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। स्टेटमेंट में बोला गया कि इंडिया जो है चाइना से आगे है हनी प्रोडक्शन में, यानी कि शहद के प्रोडक्शन में, अगर जो 2017-18 के हिसाब से हम लोग डेटा को देखते हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि जो बी कीपिंग है, यानी कि मधुमक्खी जो पालन है, तो बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी अंडर चेयरमैनशिप विवेक डिब्रोए, ये सेटअप की गई थी आइडेंटिफाई करने के लिए कि कैसे हम लोग एडवांस हो सकते हैं बी कीपिंग इंडिया में, यानी कि हम लोग कैसे और ज्यादा एडवांस अपनी कंट्री में मधुमक्खी पालन को कर सकते हैं। इसके लिए विवेक डिब्रोए जी की अध्यक्षता में एक कमेटी सेटअप की गई थी। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला जा रहा है वन ओनली, बी में बोला जा रहा है टू ओनली, सी में बोला जा रहा है बोथ वन एंड टू, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी, सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहां पर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है। अब जान लेते हैं क्या सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गलत है। अगर एक रिपोर्ट की माने, जिसको बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, जिसको आप लोग बोलते हैं FAO के द्वारा यहां पर यह बोला गया 2017-18 में कि इंडिया जो है वर्ल्ड में 8वें नंबर पर है हनी बी प्रोडक्शन के फील्ड में। अगर बात करें चाइना, तो चाइना फर्स्ट पोजीशन पर है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हमारी कंट्री में लगभग 65 टन ये हनी बी प्रोडक्शन किया जाता है, चाइना के अंदर 551 टन, समझ रहे हो आप लोग, कहां 65 यानी कि 65 और कहां यहां पर 551, यानी कि बहुत ज्यादा आ गया चाइना हमसे। तो ये इंडिया आगे नहीं है, चाइना आगे है, तो स्टेटमेंट गलत हो गई। ये बोला गया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर, ये कमिटी सेटअप की गई जब हम लोगों को पता चल गया 8वें नंबर पर है, और हमारी अगर बात करें हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर अच्छी खासी है, हमारी कंट्री में फॉरेस्ट एरिया भी ठीक ठाक है, तो क्यों नहीं हम लोग हनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनकी अध्यक्षता में, जो कि कौन है यहां पर, विवेक डिब्रोए, एक कमिटी सेटअप की गई। ये बोला गया कि किस तरीके से हमारी कंट्री में हनी बी प्रोडक्शन को हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर रिपोर्ट प्रस्तुत करो। तो ये विवेक डिब्रोए कमिटी है हनी बी प्रोडक्शन के बारे में, आंसर बी है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, ये बात कर रहे हैं नीफा वायरस के बारे में। तो जो नीफा वायरस है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आप लोगों को बताना है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया नीफा वायरस एक जूनोटिक वायरस है, जो कि ट्रांसमिट किया जा सकता है कॉन्टेमिनेटेड फूड और इसी के साथ में डायरेक्टली बिटवीन द पीपल, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला जा रहा है मोंग की जो है इसका नेचुरल होस्ट है यहां पर, अगर बात करते हैं नीफा वायरस की, सही स्टेटमेंट बतानी है। ए में बोला जा रहा है वन ओनली, बी में बोला जा रहा है टू ओनली, सी में बोला जा रहा है वन एंड टू, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी, सही आंसर क्या है?
सही आंसर यहाँ पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ये एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी वो बीमारी होती है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है, यहाँ पर ये इसमें से जो सेकंड पार्ट है इसका, फूड और डायरेक्टली जो बिटवीन जो कनेक्शन होता है पीपल में फिजिकल रिलेशन की वजह से भी ये एक दूसरे से में फैल सकती है, तो ये याद रखिएगा। आगे अगर बात करते हैं यहाँ पर, ये मोंकी इसका होस्ट वायरस नहीं है, होस्ट नेचुरल होस्ट नहीं है, नेचुरल होस्ट है इसका फ्रूट बैट, ठीक है ना। तो जो जो फ्रूट खाने वाला चमगादड़ है वो नेचुरल होस्ट है। सबसे पहले जो यहाँ पर ये रिकॉग्नाइज की गई थी ये बीमारी, ये 1999 में इसके बारे में पता लगाया गया था मलेशिया के अंदर में, और इसी के बाद में 2001 के करीब में यहाँ पर ये बांग्लादेश में और इंडिया में पीरियोडिकली देखने को मिलती है। अभी रिसेंटली लगभग 17 लोग इंडिया में केरला के अंदर इसकी वजह से मारे गए हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। आंसर ए है। आगे चलता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस तरीके से आसाम के अंदर में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के बारे में बात करते हैं, इसी तरीके से नागालैंड के अंदर में बात की जा रही है रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड। तो सही स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। ए स्टेटमेंट में बोला गया यहाँ पर कि ये एक इनिशिएटिव है यूनियन गवर्नमेंट का जो प्रिपेयर कर रही है एक मास्टर लिस्ट ऑल इंडिजिनस, यानी कि जो लोकल लोग हैं इनहेबिटेंट्स इन नागालैंड उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा सके। सेकंड बोला जा रहा है ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंट करने के लिए कोई फेक इंडिजिनस इनहेबिटेंट यहाँ पर न देखने को मिले, तो उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है वन ओनली, बी में बोला जा रहा है टू ओनली, सी में बोला जा रहा है बोथ वन एंड टू, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबो। सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये नागालैंड गवर्नमेंट का काम है, ये यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही है। तो जिसे एनआरसी की बात करें आसाम के अंदर, इसी नागालैंड कर रही है यहाँ पर, ये नागालैंड के अंदर में। RIIN है ये फर्स्ट ऑफिशियल मास्टर लिस्ट होगी नागालैंड के अंदर, जो कि ऑब्जेक्टिव यही है कि फेक इंडिजिनस इनहेबिटेंट जो है वहां पर बोलते हैं ना कि हम भी नागा के लोग हैं। आप लोगों को पता होगा, कई बार मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो नागालैंड कम्युनिटी, जो नागा कम्युनिटी है, वो चाहती है ग्रेटर नागालैंड बनाने की। हालांकि अब यहां पर ये मांग इनकी दब गई है, वरना पहले चाहते थे जो भी नॉर्थ ईस्ट में एरिया है उसको अपने अंदर इकट्ठा किया जाए, म्यांमार जो पड़ोसी देश है उसका पोर्शन लिया जाए और अपना एक ग्रेटर नागालैंड एक कंट्री बनाया जाए, पर लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाए, वो एक अलग बात है। पर लेकिन अब वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि लोकल कौन इनहेबिटेंट है, यानी कि पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग कौन है। ओके, आंसर बी हो गया। आगे चलता हूं, आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यूपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। बोला जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट बोला गया है कि ये ऑर्गन है यहाँ पर नीति आयोग का। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया है यहाँ पर ये हेड किया जाता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तीसरा बोला जा रहा है ये माइक्रो जो इकोनॉमी है एक तरीके से प्रूडेंट यहाँ पर सुपरविजन करता है इकोनॉमी का, यानी कि एक तरीके से इकोनॉमी को एक तरीके से विवेकपूर्ण तरीके से निगरानी करता है, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है वन एंड टू, बी में बोला जा रहा है थ्री ओनली, सी में बोला जा रहा है टू एंड थ्री, डी में बोला जा रहा है वन टू एंड थ्री। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहाँ पर इसका सी, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहाँ पर ये जो स्टेबल किया गया था यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबलिश, ये यहाँ पर स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये 2010 में स्टेबलिश किया गया था, ठीक है। और नीति आयोग कब आया? नीति आयोग आया 2015 में। तो यहाँ पर कैसे ये नीति आयोग का ऑर्गन हो सकता है? ये नीति आयोग से पहले का है यहाँ, ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट में जो बोला गया यहाँ पर, ये यहाँ पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये इसको हेड करते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर बात की जा रही है इसके बारे में। ओके, इसी के साथ में यहाँ पर हमारी कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो विवेकपूर्ण तरीके से हमारी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में ध्यान रखती है ये पर्टिकुलर बॉडी, तो इसके बारे में याद रखिएगा। एक तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी काम करती है, इनके जनता के पास में मोबाइल वो बैंक अकाउंट वगैरह होना चाहिए, और इसी के साथ में फाइनेंशियल लिटरेसी भी लोगों के पास में होनी चाहिए कि बैंक अकाउंट कैसे यूज करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कैसे यूज करते हैं, लोगों को अकाउंट होना चाहिए सबके पास में, तो ये सारी बातें भी लोगों को ये बताते हैं, तो ये बेसिक इसका पर्पज है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा हमारा द हिंदू का। एंजॉय करते रहिए, इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को एक अच्छी डायरेक्शन देते रहिए, सेलिब्रेट कीजिए अच्छे से फेस्टिवल और अपने परिवार के साथ में, और खुद भी खुश रहिए और सेहत का ध्यान रखिए। तो थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।